आप क्या करते हो, क्रूड ड्रग से आप क्या कर रहे हो, केमिकल कॉन्सेंट्रेट्स को अलग करते हो बाय द सॉल्वेंट। आप चाहे वाटर हो, चाहे आप कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, थायलासिनेट हो गया, या आपके अलग अलग सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है जी। कैसे करोगे आप, जो आपके ड्रग का नेचर होते हैं। अगर आपके ड्रग पोलर होगी तो आप क्या करोगे, पोलर सॉल्वेंट लोगे। अगर आपके ड्रग क्या होगी, नॉन पोलर नेचर की होगी तो आप उसमें सॉल्वेंट क्या यूज करोगे, नॉन पोलर यूज करोगे। लेकिन कुछ ड्रग ऐसी भी होती है जिसमें कि आपको ऑयल्स भी मिलते हैं और साथ साथ आपको उसमें एल्कोलाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड हो गए, या आपके क्या होते हैं कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ता है मैम। एक्सट्रैक्शन आपको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको उसमें से जो प्योर फॉर्म में आपके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो क्यों यूज कर रहे हैं, किसी भी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। पहले के टाइम में क्या करते थे, जब आयुर्वेदिक टाइम तो हम क्या करते, क्रूड ड्रग ले रहे हैं, उसको क्या कर रहे थे, कूट रहे हैं या तो उसका सिर्फ काढ़ा बना रहे हैं, फिर सिंपल से उसको ये खाने में डाल के हम ऐसे खाए। से आपका अदरक हो गया या आपका टर्मरिक हो गया, उसको क्या करते थे, पूरा खाने में हम यूज करते थे, काट के करो चाहे कैसे करो, हम उसको वैसे ही खा लेते, ठीक है। पर उसमें यूज किया आपका, अगर आपकी 10 ग्राम ड्रग है, यूज तो केवल जो उसमें 1% या 0.1% भी आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यूज तो मैं यूजिंग का ही होगा ना बॉडी में, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा खा रहे आपका जो एक्सपीरियंस होता वो उसमें यूज होता था। तो अब जो आपके एलोपैथिक सिस्टम हो गया, जो आपके अब क्या होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग तो लेते हैं पर उसमें से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सिर्फ उसको निकालेंगे, यानी कि हमें उस 10 ग्राम की जरूरत नहीं है, उसमें जो प्रेजेंट आपका 0.1 या 0.5 ग्राम है, हमें सिर्फ उसकी जरूरत है, हम क्या करेंगे उसको अलग करते हैं। तो हम उसे कैसे करते हैं, बाय द एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इसकी डेफिनेशन है, इसमें लिखो, लिखना डेफिनेशन लिखो केवल, ठीक है। Extraction is the method of removing active constituents from a solid or liquid by means of liquid solvent. Extraction is the method of removing active constituents from a solid or liquid by means of liquid solvent. ठीक है, वो methods में कि हम क्या कर रहे हैं, constituents को remove कर रहे हैं, किससे, कोई भी आपका liquid या फिर solid solvent, अगर solid का कोई solvent होता नहीं, तो वो drugs क्या होते हैं, आपका क्या है, टर्मरिक, हाँ आपकी टर्मरिक है, वो solid form में है। अब उसमें जो आपका कुर्कुमिन भी प्रेजेंट होता है, वो भी क्या होता है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वहाँ पे सॉलिड सॉलिड बोला गया है, ठीक है ना। वैसे बेसिकली आप जो सॉल्वेंट आप यूज करें वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आता है पेट्रोलियम भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, या फिर सिंपल वाटर भी हो सकता है, इतना समझे। और किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके ड्रग का नेचर होगा, यानी अगर वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी तो किसमें डिजॉल्व होगी, क्या होता है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक में जो उसके लग सकते हैं वाटर लविंग और वाटर एसिड, तो वही आपका जो ड्रग्स होती है वही, अगर आपकी नॉन पोलर होगी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, अगर पोलर होगी तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, ठीक है। अब इसके कुछ मेथड है आपके एक्सट्रैक्शन के, जो कि कौन कौन से है, फर्स्ट है आपका इन्फ्यूजन मेथड, सेकेंड है आपका डिकॉक्शन मेथड, थर्ड है आपका पर्कोलेशन मेथड, फिफ्थ है आपका डाइजेशन मेथड, एंड फोर्थ फिफ्थ आपका मैसिलेशन, सॉरी फर्स्ट है आपका लिखा इन्फ्यूजन, सेकेंड है आपका डिकॉक्शन, थर्ड है आपका मैसिलेशन, फोर्थ है आपका पर्कोलेशन और फिफ्थ आपका डाइजेशन। मैम फोर्थ ले लेते हैं फिर पढ़ने वाला समझ लेंगे। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिलेशन, पर्कोलेशन एंड डाइजेशन, सुन लो अभी केवल, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है आप लोगों का वो है आपका इन्फ्यूजन, ठीक है, इन्फ्यूजन, ठीक है। सेकेंड आपका डिकॉक्शन, थर्ड आपका मैसिलेशन, फोर्थ आपका पर्कोलेशन,
में आ जाएंगे, यानी कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो किसके कॉन्टेक्ट में आ गए, वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गए, और जो आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके वाटर में है, फिर आप गैसेस को क्या करते हो, फिर आइसोलेट करते हो। मैम ये खुद ड्रग करके से पता लगेगा कि हाइड्रोफोबिक है या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या हाइड्रोफिलिक है? मैम अगर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी जो हो सकते हैं वो भी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया कि कुछ ड्रग्स में कि आपकी कुछ ड्रग्स एल्कोहाइड कंटेनिंग होती है, कुछ ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग होती है। अब जिन ड्रग में ये सब मिलते हैं तो ऑटोमेटिक एक ही उस ड्रग में क्या डालोगे, एल्कोहल डालोगे या फिर आपके जो और भी अल्कोहल सॉल्वेंट है वो यूज करते हो। वाटर तो ये तब है ना कि अगर आपके पास सॉल्वेंट नहीं है तो चेक कर लो कि आपकी वो ड्रग वाटर के कॉन्टेक्ट में भी क्या कर रही है, एक्टिव कॉन्स्टेंट को दे रही है, कितना दे रही है कंपेयर टू जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट है वो कौन सा आपका इन्फ्यूजन, बेसिकली ये मेथड जैसे आपका टर्मरिक हो गया, टर्मरिक हो गया आपका जिंजर पाउडर हो गया उसमें यूज होता है। ठीक है, कुरकुमा में आपको सॉरी आपको जो कुरकुमा नॉर्मल में मिलने आपको क्या मिलता है, कुरकुमिन मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टर्मरिक लोगे उसके छोटे छोटे पीसेस करोगे या फिर आप उसको पूरा ड्राई होकर उसका पाउडर फॉर्म भी कर सकते हो, और उसको आप क्या करोगे बीकर में डाल दोगे, बीकर में डाल दोगे आप क्या करोगे वाटर डाल दोगे। फर्दर क्या होता है कि जो कुरकुमिन आपके किस में प्रेजेंट है, टर्मरिक में प्रेजेंट है, वो क्या करेगी वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगी, इट मीन्स की वो कॉन्स्टेंस कहाँ पे आ गया आपके वाटर के साथ में आ गए, वही आपका क्या होता है केवल इन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और जो आपका डाइजेशन वाला प्रोसेस होता है वो सेम क्या होता है इन्फ्यूजन जैसा, तो इसमें हम क्या करते हैं बॉइलिंग वाटर देते हैं, इट मीन्स जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं तो हम क्या करते हैं गर्म पानी लेते हैं ना, फटे में पानी क्या करते हैं टी बैग को डिप करते हैं, इसमें आपको ड्रग को उबालना नहीं है पानी में, सिर्फ क्या करना है पहले गर्म पानी लेना है उबालना नहीं है, सिर्फ बॉइल यानी कि गुनगुना पानी। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है गुनगुना बॉइल पानी लेना है, इसमें आप क्या कर दोगे फिर ड्रग को डालोगे और कम से कम ओवरनाइट इसको रखना है, इसमें सिर्फ कोल्ड वाटर है और इसमें क्या है आपका हॉट वाटर है, दोनों आपके इन्फ्यूजन होते हैं इसलिए इसको डाइजेशन बोला है, क्योंकि आप इसमें क्या यूज कर रहे हो हॉट वाटर यूज कर रहे हो। इतना समझ आया? यस मैम। अब है आपका डिकॉक्शन, डिकॉक्शन में क्या होता है सिंपली आपने देखा होगा आपको चाय बनाते हो है ना, तो चाय में आप क्या करते हो चाय पत्ती होती है उसको आप इतनी ही अप्लाई करते हो कि उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन होते हैं आपके सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं आपके चाय में चाय पत्ती में तो वो आपके जो आपके पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं है ना, इतने जितने भी आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो गए पानी में आके फर्दर जो आपको मार के आप उसको फेंक देते हो, तो वही आपका डिकॉक्शन पोर्शन है। या फिर आप इसे काढ़ा बना देते कुछ दिन पहले पुराने टाइम होते हैं काढ़ा बना लो जैसे सुखा मूंगिया गला खा लो तो काढ़ा पी लो है ना, हम क्या करते हैं पानी लेते हैं पानी में हम क्या डालेंगे वो सारे ड्रग डालेंगे जो कि इफेक्टिव होगी उस टाइम पे फीवर हो गया या कोल्ड हो गया किसी भी चीज के लिए, और उसमें हम क्या करेंगे फिर उसको इतनी हीट अप्लाई करेंगे कि हम उसको तब तक उबालेंगे जब तक कि वो क्या हो जाए वन फोर्थ पार्ट ना हो जाए ड्रग का वन फोर्थ पार्ट ना हो जाए, यदि आपने अगर 100 ml वाटर लिया है ठीक है अगर आपका 100 ml वाटर है तो आप उसको तब तक उबालोगे जब तक कि इसका जलचाई ना हो जाए। ठीक है, यानी कि ठीक होना चाहिए वो आपका क्या हो जाए ड्रग तो लो गई ना, लेकिन जब आप उसको बॉइल कर रहे हो तो वाटर भी तो इवेपोरेट होगा ना, तो वाटर इवेपोरेट होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा धीरे धीरे। मैम ये तो नहीं है ना पॉसिबल कि अगर इसका चौथा हिस्सा अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो लगभग ये है कि आपको इतना भी पानी अगर आपके ड्रग हो गई तो कोल्ड वाटर में हो सकते हैं कि आप क्या करोगे आपका 100 ml ही रहे, बट अगर आप उसमें हीट अप्लाई करोगे तो वो इवेपोरेट भी होगा, तो वन चौथाई पार्ट का क्या करते हैं इसको तब तक इसको उबालते हैं जब तक इसका वन पॉइंट टू पार्ट का जो वॉल्यूम है वो वन फोर्थ ना हो जाए। तो ड्रग मैम ये तो नहीं पॉसिबल है कि अगर पानी के साथ साथ वो जो हमने ड्रग लिया वो भी इवेपोरेट हो? नहीं ये तो नहीं होगी इवेपोरेट, क्योंकि वो आपका क्या होता है जो भी आपका हॉट एक्सटेंशन मेथड होता है ना उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो सकते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं सॉल्वेंट के बजाय जो आपका कोल्ड एक्सटेंशन मेथड होता है, इससे ज्यादा प्रेफर लोग क्या करते हैं हॉट एक्सटेंशन प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोल्ड में क्या होते हैं कि कोल्ड में इतनी आसानी से जो कॉन्फिडेंस है वो रिमूव नहीं हो पाते हैं ड्रग से, और हॉट में क्या होता है वो जल्दी और इजिली क्या हो जाएंगे रिमूव हो जाएंगे ड्रग से। ठीक है, हम क्या करते हैं डिकॉक्शन में हमारा ये हो जाता है आपका मैसिनेशन, मैसिनेशन में हमारे दो मेथड होते हैं एक हॉट मैसिनेशन एक कोल्ड मैसिनेशन, सेम है आप चाहे तो इसको कोल्ड मैसिनेशन बोल सकते हो इसको हॉट बोल सकते हो या फिर आप इसमें भी
अंदर ही पार्ट है, के अंदर भी तो पार्ट है उनके, इन्फ्यूजन के भी अलग से पार्ट है, इन्फ्यूजन का एक पार्ट है, इन्फ्यूजन का भी एक पार्ट है, डीआईएस बाहर की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ मैं इन्फ्यूजन और डिकोशन से ही सर, एक तो योगे डाइजेशन वाला और एक मैं वो हो गया इन्फ्यूजन वाला, और इन दोनों को मिला के ये वाला हो गया तीसरे नंबर का, कि एक को हॉट बोल दो एक को कोल्ड बोल दो। वाटर लिया बीकर में वाटर के साथ भी कर सकते हो,
ठीक है, पर सबसे बेटर जो होता है आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपके अल्कोहल में होते हैं सबसे बेटर, वो सब मैं डायरेक्ट के ऊपर बात है ना, ब्रशिंग पर बात होती है, पर सारे फैक्टर में नहीं होंगे ना, कुछ ड्रग्स ऐसे होंगे जो आपकी अल्कोहल में ना होकर के पेट्रोल डीजल में डिजॉल्व हो सकती है कॉन्फिडेंस, कुछ ड्रग्स ऐसी होगी आपकी जो आपकी पेट्रोल डीजल में होगी क्लोरोफॉर्म में हो सकती है, एंड अगर हमें ये चीज नहीं पता है तो हमें तो उस एक ड्रग पे सारे सॉल्वेंट को ट्राई करना पड़ेगा ना फिर मैम। अगर जैसे हमें इन्फ्यूजन मेथड से किसी उसका करना है जिसमें ब्राइक और किसी एल्कोहल्स हो तो ऑर्गेनिक से, तो मैम इन्फ्यूजन और उनके साथ ही करेंगे उसमें नहीं कर पाओगी तुम, क्योंकि जो आपके एल्कोहल्स होते हैं वो तो सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आते हैं और वो आपकी पाउडर के साथ में नहीं आएंगे वो जो इन्फ्यूजन। मैम ये पूछ रहा हूँ मैं, अगर इन्फ्यूजन करना है और हमारे पास एल्कोहल्स है ग्लाइकोलोइड्स है कोई सब्जेक्ट है तो उनका हमें एक्सट्रैक्शन कराना है और वो भी इन्फ्यूजन मेथड से, तो मैं बिना वाटर अगर हम उसके वाटर की जगह हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले जैसे अल्कोहल वगैरह तो इन्फ्यूजन होगा या नहीं होगा? नहीं ले सकते, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि वाटर के साथ में इन्फ्यूजन होता है बेसिकली उन ड्रग्स के लिए जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकती है, अगर आप एल्कोहल्स की बात करें तो कोई इन्फ्यूजन में नहीं होगा आपको मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है आपको इन्फ्यूजन में खाली वाटर ही यूज करना है। हां इसमें सिर्फ वाटर और इसमें आपका सिर्फ वाटर यूज हो रहा है, जो आपका डिकॉक्शन में आप वाटर भी यूज कर सकते हो और कोई अदर सॉल्वेंट भी आप यूज कर सकते हो, यानी कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं असली आपको मेस्टेशन में होती है, ठीक है। अब आपको पर्कोलेशन, पर्कोलेशन में आपका एक पर्कोलेटर होता है एपरेटस होता है जो आप ऐसे देखते हैं आपका एक एपरेटस होता है पर्कोलेटर, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बी शेप में होता है, ठीक है, हम जो
सॉल्वेंट है वो भी वो कलर वो कलरफुल ना हो मतलब डी कलर होना हो तब तक करते रहते हैं तो मैम ये तो मैं प्रैक्टिकल कुछ केसेस में क्या होता है कि ड्रग्स से आप क्या करते हैं
परकोलेशन परकोलेशन और ये क्या समीकरण